काफ़ी हद तक अश्लीलता दूर जाती जा रही है, फिल्मों में अब देखने को नहीं मिल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली देखिए, हाँ भी और ना भी, बिकॉज अश्लीलता नहीं होती है किस जिस फिल्म में। ऐसे काफ़ी एग्जांपल मैं जानता हूँ। मैं फिल्म देखने गया था, एक फिल्म थी माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित, टाइटल भी कुछ ऐसा ही था और बहुत बड़े बैनर से बन रही थी। लेकिन जब मैं मूवी देख रहा था उसके अंदर दो आइटम सॉन्ग ऐसा था, पूरी फिल्म साफ सुथरी, उसमें सभी रिश्तों को बहुत अच्छा दिखाया गया, हमारे बिहार की संस्कृति को बहुत अच्छा, हमारे लोग कितने इमोशनल होते हैं, वैसे तो हम हर हिंदुस्तानी इमोशनल होते हैं, लेकिन वो मूवी इमोशंस बेस्ड ही थी, तो इसलिए इमोशंस बहुत ज़्यादा था, रिश्तों को बहुत अच्छे से दिखाया गया था, हर चीज़ अच्छी थी मूवी में, बहुत ही अप्रिशिएट किया। बट दो गाने आइटम सॉन्ग इतने वल्गर थे कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता, कोई भी बिहारी अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता। तो ये ज़रूरत क्या है एक गाना डालने का आइटम सॉन्ग? हिंदी में आइटम सॉन्ग जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ होता है, बट अगर कोई भोजपुरी फिल्म देखे, बाहर का कोई दर्शक जो भोजपुरी नहीं होता, अगर कोई भी मूवी देखे तो यही समझता होगा कि गली गली में वहाँ नौटंकी होती रहती है आज भी, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो धारणा बन जाती है और ये जो पैटर्न बना दिया है कि भोजपुरी है तो भैया एक विशेष वर्ग के लिए उतना मटेरियल तो डालना ही पड़ेगा कॉमर्शियली इसको वायबल करने के लिए, डबल मीनिंग का ज़्यादा यूज किया जाता। तो मैं बता रहा हूँ ना, जब अगर या तो पूरी मूवी बना दो डबल मीनिंग वाली, एक खास दर्शक के लिए, हिंदी में भी बनती है ऐसी मूवीज़ जो सिर्फ वैसे ही डबल मीनिंग डायलॉग और एडल्ट ही मूवी रहेगी, सनी लियोन की मूवी या फिर ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं, चाहे मस्ती सीरीज़ हो, तो उनको पता है क्या कूल है हम, सुपर कूल है हम, उनको पता है कि ये हम इसी दर्शक को, हमको फैमिली ऑडियंस चाहिए ही नहीं, वो एक खास उनका एक कस्टमर सेगमेंट होता है तो उस सेगमेंट को वो टारगेट करते हैं। बट हमारे यहाँ आप अगर फैमिली के लिए भी बनाते हैं तो उसमें खिचड़ी पक जाती है, आपको ये भी ऑडियंस चाहिए वो भी चाहिए, तो इस चक्कर में ना आपके वो आ पाते हैं, ना ये आ पाते हैं, ना ये आ पाते हैं। जो चीज़ सबके लिए बनती है वो फिर किसी की नहीं होकर रह जाती। तो मुझे लगता है अगर फैमिली ओरिएंटेड मूवी बना रहे हो तो उसमें कोई भी वल्गैरिटी, डबल मीनिंग का कोई भी चांस ही नहीं होनी चाहिए, उसका एक होना ही नहीं चाहिए, उसमें जाओ ही मत उस जोन में। भोजपुरी का एक सबने पैटर्न बना दिया है कि आइटम सॉन्ग होना चाहिए, वही ठाकुर, वही कॉमेडी में फुहड़ता भी है, डबल मीनिंग डायलॉग्स भी होते हैं, एक ढर्रा बना दिया है पैटर्न। बट ऐसा नहीं है, हमारे दर्शक भी चाहते हैं अच्छी मूवी देखना। अपहरण तो सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, उसमें एक भी सॉन्ग नहीं है, एक भी आइटम सॉन्ग तो दूर, एक भी रोमांटिक सॉन्ग भी नहीं है, बिना सॉन्ग के वो फिल्म बिहार में सुपर डुपर हिट। तो हम टाइपकास्ट नहीं कर सकते कि दर्शक को ये पसंद है वो पसंद है, अच्छी फिल्म उनको अच्छी लगती है। और हमारी फिल्म एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहेगी जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद बिहार का हूं तो मैं अपने दर्शकों को जानता हूं, मैं भी वहीं का पला बड़ा हूं, वही सभ्यता, वही कल्चर, वही संस्कृति से आया हुआ हूं, तो मैं जानता हूं अपने दर्शकों को, वो इसको ज़रूर पसंद करेंगे।